सर नमस्ते एंड गुड इवनिंग नेपाल लाइव सर जुलाई 2 तारीख को मैंने एक एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो बुक स्टोर को निग्लिजेंसी किया है उसका ऊपर एक रिपोर्ट बनाया था, तो उसका रिगार्डिंग जो हमारे लोंगडिंग डीसी ने एक ऑर्डर निकला था, तो उसका क्या खबर है अभी तक? थैंक यू आपका सवाल के लिए। हम लोग आपका वीडियो वायरल को सुनते ही डिप्टी कमिश्नर लोंगडिंग ने एक ऑर्डर जारी किया है इमीडिएटली कि एक बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करना है। एक बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया गया था ऑन 3rd July 2024, तो इमीडिएटली हमको उस बोर्ड का चेयरमैन बनाया है और हमारा डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस लोंगडिंग का वो मेंबर था और हमारा CDPO मैडम वो मेंबर था, हम लोग 3 बोर्ड मेंबर था। तो हम तीनों ने उस ऑर्डर का मुताबिक से इमीडिएटली हम लोग प्रॉम्प्ट एक्शन इनिशिएट किया गया है। स्पॉट में बोर्ड हम लोग विजिट किया है ऑन 5th July, तो हम लोग स्पॉट में गया था। आपका वायरल वीडियो जो सोशल मीडिया में जो आया है उसका ऑथेंटिसिटी और वैलिडिटी इनका जेन्युइननेस को कंफर्म करने के लिए हम लोगों ने स्पॉट में जाके देखा है। तो वो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल लोंगडिंग का स्कूल में स्टोर रूम में कुछ किताब रखे थे हमारा एंटायर लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट का स्कूल्स लुक को देने के लिए किताब रखे थे। बहुत दिनों से वो स्टोर में रखा गया था, तो हम लोग स्पॉट में देखा है तो रियली वो बिल्डिंग डिलैपिडेटेड कंडीशन में था। दरवाज़ा नहीं था और खिड़की भी नहीं था, बहुत डिलैपिडेटेड कंडीशन में पड़ा हुआ था और सम ऑफ द बुक्स उसका हाफ बर्न जल चुका था, जो मिस्क्रिएंट ने शायद आग लगाया होगा। ये केस इससे पहले ये एक्चुअली जो 2024 का फरवरी में हुआ था, मिस्क्रिएंट लोग वहाँ पे एंटर घुस के इसको डिस्ट्रॉय किया, बुक लोग को डैमेज किया। तो इस सिलसिले में अथॉरिटी एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो अथॉरिटी है वो FIR एक तो दर्ज किया, तो पुलिस स्टेशन लोंगडिंग में FIR दर्ज किया वो है। और इसके बाद में FIR दर्ज करने के बाद में 4-5 months ऐसा एक्शन इसका फॉलोअप नहीं किया है शायद एजुकेशन डिपार्टमेंट तरफ से। पर हम लोग स्पॉट वेरिफिकेशन में यही पता चला है कि उसका अथॉरिटी लोग कोई भी उसको देख रेख प्रॉपरली नहीं किया है। और किताब हम लोग जब स्पॉट में जाके वेरीफाई करके देखा तो बहुत लोग किताब पढ़ा हुआ था बच्चों लोग का, तो उसमें रीडेबल अनयूजेबल और ओल्ड सिलेबस बुक ही था। पर कुछ कुछ सिलेबस का सिलेबस जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रखे थे वो किताब लोग था। ओवरऑल देखा है तो ऑलमोस्ट ये अथॉरिटी कंसर्न अथॉरिटी बुक स्टोर इंचार्ज लोग का रिस्पॉन्सिबल बनता है, तो वो लोग थोड़ा केयरिंग करना चाहिए था, तो उसको प्रॉपर देख रेख नहीं किया है जैसा हमको लगा है बोर्ड को। तो इसलिए बोर्ड ने कंफर्म किया आपका वीडियो वायरल हुआ वो सही है, सही फिक्सर को डेपिक किया वो वायरल वीडियो, तो ऑथेंटिसिटी को हम लोग एस्टाब्लिश किया वो सही है। पर हम लोग इसका फाइंडिंग्स को हम लोग बोर्ड लोग का ऑलरेडी हम लोग डिप्टी कमिश्नर लोंगडिंग को हम लोग जमा कर दिया है। तो अभी हमारा जो नेपाल लाइफ जो अभी आए हैं तो सवाल किया है, तो मैं इस सवाल का यही मेरा रिप्लाई है कि बोर्ड हम लोग अपना फाइंडिंग्स को ऑलरेडी डिप्टी कमिश्नर लोंगडिंग को सबमिट किया है, तो फर्दर एक्शन इसका जो एक्शन है और डीसी के ऊपर में है हमारा डिप्टी कमिश्नर, उसका फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन हमारा जो कमिटी का रिपोर्ट के आधार पर वो करेंगे। तो यही है आपको बताने के लिए, हम लोग अपना जो कमिटी का रोल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है हम लोग बहुत अच्छी तरह से हम लोग निभाया है और रिपोर्ट
हम लोग सबमिट किया है। तो सर कमिटी का तरफ से क्या क्या रिपोर्ट बनाया है वो थोड़ा बता दीजिए। कमिटी का रिपोर्ट आपको भी एक कॉपी स्पेयर किया है, आप भी काइंडली उसको देख लीजिए। यू मे गो थ्रू दैट रिपोर्ट ऑल्सो इन डिटेल। उस पर हम लोग 14 पॉइंट्स हम लोग का तरफ से हम लोग एसेस ग्राउंड रियलिटीज को हम लोग असेस किया है, तो हम लोग का फाइंडिंग्स को उसमें हम लोग रिफ्लेक्ट किया गया है। अभी आप इसको डिटेल में पढ़िए। खासकर हम लोग देखा है कि एक स्टोर, एक सेपरेट स्टोर, बुक स्टोर का बहुत जरूरी है, तो उसको हम लोग ने कहा है, एम्फेसिस किया है कि इमीडिएटली कंसर्न डिपार्टमेंट एक बुक स्टोर एक बनाना है, ताकि जब भी वहाँ से जब किताब डिस्ट्रिक्ट में आते हैं इसको प्रॉपर प्रिजर्व करने के लिए, स्टोर करने के लिए जरूरी है, इसलिए उसको हम लोग एम्फेसिस किया। और एक रेगुलर नाइट डे नाइट चौकीदार का पोस्टिंग के लिए भी हम लोग ने जिक्र किया है उसका, जब क्योंकि बिना रेगुलर नाइट चौकीदार डे चौकीदार का बिना और नहीं होगा, इसके इसलिए हम लोग उसको सजेस्ट किया है कि उसको रेगुलर एक चौकीदार होना चाहिए। और इसका बाद हम लोग का ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर जो जिसको भी असाइन करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, या कोई भी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छी ढंग से डिस्चार्ज करना चाहिए। और जो एक प्रॉब्लम भी हम लोग देखा है कि इतना सारा क्वांटिटी ऑफ बुक्स वहाँ से डिस्पैच करता है डायरेक्टर लेवल से है, यहाँ पे इसको फर्दर स्टोर करने के लिए स्पेस नहीं है। इसके वजह से हमारा इंचार्ज का कहना यही है कि हम लोग को स्पेस नहीं है, पूरा एक ही रूम में हम लोग उसको रखना पड़ता है, उसके लिए बहुत ही इनकन्वीनियंट है। इसलिए उन लोग भी जिक्र किया है यहाँ पे रेंट भी लेना पड़ रहा है, बोला यहाँ तो रेंट लिया आपका जो सिलेबस बुक को अभी यहाँ रहता है वहाँ का जो मिक्स किया हुआ आपको सेग्रीगेट कर दिया है, अभी भी सेग्रीगेट करने का बाकी है, पर भी उसको कर लेगा। अभी जितना हमारा सिलेबस का बुक है उसको अभी सेपरेटली रख दिया, सेपरेट प्लेस में रखा है, हमको बताया है, पर भी वो लोग ये बोला है कि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हम लोग को नहीं देता है सरकार, उसको भी हम लोग ने सरकार को यही अपील किया है कि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जब वहाँ से यहाँ लेके आता है, यहाँ से स्कूल बहुत दूर दराज स्कूल में जैसे पंचाव वाका मीनू निशा हमारा कन्वरी पदर डेस्टिनेशन में जब ले जाते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है, इसलिए बहुत दिक्कत वो लोग अनुभव कर रहे हैं, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करने से अच्छा है, ये भी हम लोग उसमें मेंशन किया है हम लोग का रिपोर्ट में। इस तरह से सारे पॉइंट्स हम यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया है, अब उसको काइंडली देखिए ताकि वो उसके बाद एक सीसी कैमरा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें जब तक सीसी कैमरा नहीं होगा तो मिसक्रिएंट आने वाला को हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकेगा, इसलिए सीसी कैमरा होना चाहिए, तो उसको एजुकेशन डिपार्टमेंट उसको प्रोवाइड करना है। इसके बाद और हम लोग यही एक देखा है कि सारे हमारे जो स्कूल के कंपाउंड में सिक्योरिटी वॉल का जरूरत है, फिलहाल कहीं में भी सिक्योरिटी वॉल नहीं है, ओपन है स्कूल ऐसा पड़ा हुआ है, अब फेंसिंग बनाया नहीं है, इसीलिए हम लोग ने देखा है कि इसको स्कूल का चारों तरफ इमीडिएटली आरसीसी सिक्योरिटी वॉल फेंसिंग कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, यह भी हम लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट को हम लोग ने ये हम लोग का पॉइंट्स में उठाया है। तो इस तरह से करके उसको प्रॉपर इंचार्ज होना चाहिए, रेगुलर इंचार्ज एक होना चाहिए, किताब का स्टोर का रेगुलर इंचार्ज होना चाहिए। ये गैप अरेंजमेंट टाइमली अरेंजमेंट होने का वजह से उसमें इफेक्टिवली मॉनिटर नहीं कर रहा है, इसीलिए हम लोग को चाहता है कि उसको एजुकेशन डिपार्टमेंट प्रॉपर सिक्योरिटी होना है, प्रॉपर इंचार्ज रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना चाहिए, और इसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उसका देना है, और स्टोर रूम कंस्ट्रक्शन के लिए सफिशेंट फंड देने से अच्छा है, ताकि उसका फ्यूचर में इस तरह का प्रॉब्लम रिपीटेडली ऐसा ना हो। तो यही है
तो मैं यही मेरे तरफ से आपने जो नेफा लीग में आने का जो मौका दिया है मैं थैंक यू कहता हूँ। तो मेरा अपना जो बोलना था यही पर मैं रखना चाहता हूँ। थैंक यू नेफा लीग। ओके थैंक यू सर।